हरिपुर के विद्यालय में एक दासु था। वही दासु जो जगबंधु दीनानाथ के हाथ पैर तोड़ा था। दासु का चलना फिरना देखकर बात विचार सुनकर पागल जैसा लगता था, इसलिए विद्यालय के बच्चे पागल दासु कहते थे। दासु का बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन दासु गुस्सा नहीं होता था, बल्कि वो बहुत खुश होता था। हमारे गांव में जब सब अमावट बनाते हैं तो सब मुझे बुलाते हैं। तू अमावट खाता है? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर जब वो लोग अमावट छत पे सुखवाते हैं, तब मैं छत पे चढ़कर एक बार देख के आता हूँ। तब कौआ भाग जाता है और सारे आम सुखाने वालों को पहरा भी नहीं देना पड़ता है। परीक्षा में कुछ दिन बाकी था। एक दिन दासु अपने पापा का कोट और पैंट पहनकर जोकर जैसा बनकर स्कूल आया। तभी बच्चे देखकर बोले, ओए दासु, तू अचानक कोट पैंट पहनकर क्यों आया है? तुम लोगों को समझ में नहीं आया ना, मैं चाहता हूँ मैं भी अच्छा इंग्लिश पढ़ सकूँ, लिख सकूँ, इसीलिए कोट पैंट पहनकर आया हूँ। कुछ दिनों बाद की घटना। कुछ दिनों से दासु एक ब्रीफ केस लेके आता था। यही देखकर हिंदी के सर दासु से पूछे, दासु, ब्रीफ केस में क्या है? जी, मेरा सामान है। सामान? दासु, तुम्हारा कैसा सामान? हाँ सर, इसके पास तो कॉपी, पेन, किताब, पेंसिल सब कुछ है, फिर कैसा सामान सर? कान खोल के सुन लो, मेरे सामान में हाथ मत लगाना तुम लोग। सुन, कुछ देखा है तू? नहीं, मुझे लगता है उसमें खाने का सामान होगा। उसमें खाना है? हाँ, लेकिन आज तक मैं आधी छुट्टी में उसे कुछ खाते हुए नहीं देखा हूँ। मुझे लगता है उसमें उसका पैसा होगा, इसीलिए अपने पास रखता है। पैसा इतना सारा वो विद्यालय में क्यों लाता है? वो कोई बिजनेस करेगा क्या? आधी छुट्टी का घंटा पड़ते दासु दौड़ते दौड़ते भोला के पास आया। भोला को बोला, भोला, मेरा ब्रीफकेस का चाबी तू अपने पास रख, मैं अपना ब्रीफकेस गार्ड को देके जा रहा हूँ। अगर मेरे आने में देरी हो जाए तो मेरा चाबी तू गार्ड को दे देना, ठीक है? ठीक है। यही मौका है, चल भोला चल, उसका ब्रीफकेस खोल के देखते हैं। हाँ हाँ, चल चल। रहा उसका ब्रीफकेस। हाँ, खोल जरा देखूं क्या है इसके अंदर। लंच बॉक्स है इसमें, देखना उसमें क्या लिखा हुआ है। ज्यादा चालाकी करने से बेवकूफ बन जाते हैं। क्यों, शक दूर हो गया तुम लोगों का? उस दिन पागल दासु अपना दिमाग लगाकर सारे बच्चों को बेवकूफ बना दिया। होता।
क्या बात है हंदा, तुम ये चश्मा पहनकर सुंदर लग रहे हो। थैंक यू डॉक्टर साहब, क्या ये चश्मा पहनकर मेरा धुंधलापन चला जाएगा, बोलिए। हाँ जरूर चला जाएगा, एक दो महीने इस चश्मे को पहनो, तुम्हारा धुंधलापन गायब हो जाएगा। कितना सुंदर सुगंध आ रहा है यहाँ से, कितना अच्छा सुगंध, लग रहा है ये मेरे खाने के लिए ही रखा हुआ है। अंदर जाता हूँ। मैं जैसा सोचा था वैसा ही है। कितना सारा केक है यहाँ पे। बकरी का मालिक आ रहा है। वे वे चोर, रुक रुक जा, मेरा केक देकर जा, मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, अब मुझे बकरी का पहरा देने के लिए एक पहरादार रखना ही पड़ेगा। बकरी का पहरा देने के लिए पहरादार चाहिए, मेरे पेट भरने के लिए अच्छा बंदोबस्त हो गया है। जी बाहर। तेज दौड़ पाते हो? हाँ, मैं तेज दौड़ पाता हूँ, बहुत तेज दौड़ पाता हूँ। ठीक है ठीक है, आज से कम पे लग जाओ तुम। जाता हूँ, बकरी के अंदर रहा नहीं जा रहा है। यही मौका है। हाँ, भुंदा अंदर गया, उसे जाकर पकड़ता हूँ। अब मैं केक चोर को पकड़ लिया हूँ। ये रहा आपका चोर। तुम फिर से मेरे बेकरी में केक चुराने आए हो, जाओ। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। लेकिन बकरी का मालिक उस दिन मुझे जो जोरों का लत मारा था, बड़ी जोर की लगी थी मुझे, वहाँ पे हंदा पहरा देता है। लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अंदर जाओ। कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा। अंदर तो यहाँ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना होगा मुझे, अंदर यहाँ पे पहरा देता है। धीरे धीरे अंदर जाता हूँ। फिर से भुंदा तू यहाँ आ गया, आज इसे फिर पकड़ेंगे। हाँ, कोई है तो नहीं? आज तुझे पकड़ूंगा, कोई आना जाए पकड़ लूंगा मैं आज इसे। टक दुम दुम, इस चोर को आज मैं पकड़ के रहूंगा। शैतान कहीं का मुझे छोड़। मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब हंदा को बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। ये तो वही लड़का है ना, सारा केक लेके भाग रहा है। मेरा सर, मेरा चश्मा कहाँ है? तेरे पहले से मेरा पूरा केक चोरी हो गया। मुझे छोड़ दीजिए, ये ले, ये ले, मुझे छोड़ दीजिए, ले ले ये ले ले। हंदा, तेरे किस्मत में डंडा और मेरे किस्मत में केक। अ
अरे गब्बू और गब्बू को बहुत दिन से मुसीबत में नहीं डाले। अरे उन दोनों को मुसीबत में डालने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कौन सा आइडिया है? अरे अभी नहीं, सबके सामने। अभी एक सबसे जरूरी काम है, कल सुबह एक हम लोग चिट्ठी भेजेंगे। गब्बू तुम्हारा चिट्ठी आया है, ये लो। दीजिए दीजिए। लो लो। अरे बापू बापू, ये तो एक नक्शा है। नक्शा? कैसा नक्शा है गब्बू? शायद लगता है ये गुप्त धन का नक्शा है। ये टेढ़ा मेढ़ा क्या लिखा है देखना, दरबारी ठाकुर के बगान में जो आम का पेड़ है वहाँ से 10 कदम आगे जाने पे धन प्राप्त होगा। मेरा मन कह रहा है कि मेरा साथ कोई मजाक कर रहा है कि धन मिलेगा। मैं देखूंगा एक बार, क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि कान से सुना हुआ बात और आंख से देखा हुआ बात सच होता है। मैं वही देखूंगा। अरे तो फिर चल, अभी चलकर हम लोग देखते हैं। अने कैसा लगा खेल? बहुत अच्छा। अरे वाह, तो वही ठाकुर का बगीचे का पेड़ है जो वो नक्शा में था। एक दो तीन चार आठ नौ दस। अरे ये क्या हो गया, हमको कहाँ फंस गए आकर यहाँ? बहुत पहले तुमको तो मैं बोला था कि हम दोनों साथ कोई मजाक किया, तुम बात मेरा नहीं माना। कैसे करोगे? वही तो सोच रहा हूँ। हाँ बोल। अरे वो जल्दी किकरा पकड़ तो। अच्छा पकड़ रहे हैं। अरे वो दोनों आ रहा है इधर, चलो उससे मजा लेते हैं। हाँ चलो चल। अरे कैसा गुप्त धन मिला है जी? अरे यार कुछ नहीं मिला है यार, बस एक खाली मोहर मिला है। मोहर? अरे तुम दोनों हम लोगों को भेजा था उल्लू बनाने के लिए, लेकिन देखो हम लोग कितना फायदा में हैं। अने मेरा तैयारी किया हुआ नक्शा पे जो गुप्त धन मिला है वो तुम्हारा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, ये तो मेरा है। अरे ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो हारी वाला मोहर मेरा दे दो। अने मैं तुम्हारा हानि दे दूंगा, पहले मोहर तो उझेल लूं। ओए लड़का, तुझे रास्ते में चलने की कोई तमीज नहीं है क्या? चल मेरे साथ थाने, चल। मैं थाने में ही जा रहा था, जो गुप्त धन ये मिला है हानि में उसी को जमा करने के लिए थाने में ही। इस मटके में क्या है दिखाओ, दिखाओ मुझे दिखाओ। ये क्या, जो हानि में मोहर और साड़ी में केकड़ा? शैतान लड़के, मुझे केकड़ा से कटवाया? नहीं, भागो, लड़का भागो, कहां भाग, भाग रहा भागो, है भागो, जल्दी भागो, भागो। टब्बू जैसी करनी वैसी भरनी। टब्बू पिता, you
मुझे बुद्धो जैसा कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। मैं पूरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनते सुनते पथ भी कट जाएगा और पथ का कष्ट भी पता नहीं चलेगा। और कहानी के अंत में एक प्रश्न करूंगा। अगर आप प्रश्न के उत्तर जानते हुए आप चुपचाप रहे तो आपके सर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अगर आप सही उत्तर दिए तो वापिस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। अब मैं अपनी कहानी सुनता हूँ। सुनिए महाराज, बहुत सदियों पहले उत्तर हिमालय पर वास करती थी एक राक्षसिनी जिसका नाम था प्रचुंडा। उसका एक लौता संतान था। जब दानव विवाह के लायक होगा उसकी माँ का ये इच्छा था कि वो अपने बेटे को एक राजकन्या से विवाह करवाएगी। राजकन्या से अगर विवाह करा पाऊँ मैं अपने पुत्र का तो हमारा उत्तराधिकारी हमारे जैसा भयंकर रूप लेके जन्म नहीं लेगा। हाँ, तब हमारा दानव रूप बदल जाएगा। महारानी आप ठीक बोल रही है। सच में सही बोल रही है। हाँ हाँ, सुनो सुनो महामंत्री, तुम जाके पता लगाओ कौन से राज्य में सबसे सुंदर कन्या है। मैं उस विश्व सुंदरी से अपने पुत्र का विवाह करवाऊंगी। जैसी आज्ञा महारानी, हम चारों तरफ खोज लगाएंगे। पश्चिम दिशा में एक छोटा सा राज्य था शेतपुर। वहाँ के राजा सितंकर की एक लौती कन्या रूपमती थी। सच में राजकुमारी, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई हो? तुम कुछ भी बोलो, सच में राजकुमारी जैसी सुंदर कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ हाँ, इसीलिए तो राजकुमारी का नाम है रूपमती। सच में नाम जैसा सीरत वैसा। ओहो, चुप हो जाओ तुम लोग, चलो घर चलते हैं, वरना माता श्री नाराज हो जाएंगी। हाँ हाँ, चलो चलो राजकुमारी, जल्दी चलो। चलो चलो राजकुमारी, चलो चलो जल्दी चलो चलो चलो। महाराज, हमारी कन्या रूपमती विवाह के योग्य हो गई है। अब उसके बारे में कुछ सोचिए आप महाराज। हाँ महारानी, मुझे पता है हमारी कन्या विवाह लायक हो गई है। अब हमें कुछ सोचना चाहिए। हाँ सुनो, इधर आओ। जी महाराज। अभी महामंत्री को ये समाचार भेजो, बोलो महाराज बुलाए हैं। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज, आइए आइए महामंत्री, एक विशेष काम के लिए आपको मैं बुलाया हूँ। बोलिए महाराज, क्या आदेश है? कोई आदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है महामंत्री। राजकन्या विवाह लायक हो गई है, उसके लिए रिश्ता ढूंढना था। हमें सिर्फ दामाद नहीं चाहिए बल्कि इस राज्य को संभालने वाला चाहिए, ताकि हम दोनों सारी चिंता से मुक्त हो जाए। मुझे लगता है महाराज, रिश्ते की खोज ना करके हमें राजकुमारी की स्वयंवर करवाना चाहिए, और आप सभी देखकर सही वर ढूंढ सकते हैं महाराज। आप ठीक बोल रहे हैं महामंत्री। ठीक है, ऐसा ही होगा।
कल ही आप सभी राज्यों में समाचार भेज दीजिए, एक शुभ दिन तय कर दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नाग पंचमी के दिन स्वयंवर का व्यवस्था कीजिए। ठीक है, मैं कल ही दूत के जरिए सभी राज्य में समाचार भेज दूंगा। महाराज के बातों के अनुसार सभी राज्य में ये समाचार फैल गई है और गुप्तचर के जरिए ये समाचार परचुंडा के पास भी पहुंच गई। उसके बाद ओ स्वयंवर सभा स्वयंवर सभा हाँ महारानी, अगले पंचमी को है। नाग पंचमी के दिन स्वयंवर तो होगा लेकिन मेरे पुत्र के साथ, दानव के साथ, मेरे इकलौते पुत्र के साथ। हाँ हाँ हाँ, मैं खुद जाऊंगी राजकुमारी को लाने। आखिर में आ गया वो दिन और राजकुमारी की स्वयंवर होने लगा। देश विदेश से राजकुमार आए, स्वयंवर सभा शुरू हो गया। सभी राजकुमार स्वयंवर सभा में थे। उसी वक्त प्रकट हुई सभा में प्रचुंडा। तभी उसी समय राजकुमारी, स्वयंवर तुम कितना भी ना कर लो लेकिन विवाह तो मेरे बेटे के साथ ही होगा तुम्हारा। चलो चलो मेरे साथ चलो चलो। ये क्या आश्चर्य है, ये क्या आश्चर्य है, ये क्या आश्चर्य है, ये क्या आश्चर्य है। छोड़ दो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता राजकुमारी, अब मैं तुम्हारे साथ अपने इकलौते पुत्र का विवाह करवाऊंगी। क्यों? तुम मेरे साथ क्यों? छोड़ दो। राजकुमारी, तुम्हारे साथ मैं अपने पुत्र का विवाह करवाऊंगी तो हमारा ये भूतिया रूप खत्म हो जाएगा। दानव को बुलाओ। कैसी आज्ञा महारानी? क्या माता श्री राजकुमारी को साथ में लेकर आई है? कहाँ कहाँ, चलो चलो चलो। आ बेटा आ आ, ये देख शेतपुर की राजकन्या है। पूरे दुनिया में इसके जैसा सुंदर और कहीं नहीं है। ये तो बहुत सुंदर है। माता श्री, कब हमारा शादी होगा इस राजकुमारी से, बताइए। छी, कितना भयंकर है ये। नहीं नहीं, किसी कीमत पे नहीं, मैं इस भयंकर दानव से विवाह नहीं करूँगी। मुझे छोड़ दीजिए, दया करके छोड़ दीजिए। अब कोई और रास्ता नहीं है बच्चा, कोई रास्ता नहीं। कहा लेके गई है मेरी पुत्री को महामंत्री पहरी। तुम लोग खोज लगाओ मेरी बच्ची कहाँ है। मेरी कन्या को वापस ला दीजिए महाराज, कैसे भी करके। परेशान मत होइए महाराज, हम लोगों को भेज रखे हैं राजकुमार।
कुमारी का पता लगाने के लिए। आप शांत हो जाइए महाराज, हम लोग राजकुमारी को वापस ले आएंगे। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिएगा महाराज, हम लोग राजकुमारी को वापस ले आएंगे। हाँ 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 हाँ, राजकुमार जाओ, जाके हमारी पुत्री को ले आओ, जाओ। कुछ दिनों बाद मैं अपने पुत्र से इस कन्या का विवाह करवा दूंगी। उसके बाद हमारे राक्षस नगरी में कोई भयंकर शक्ल लेके पैदा नहीं होगा। वो देखो राक्षस नगरी, वो देखो। अच्छा, यहाँ पे छुपा के रखा है राजकुमारी को, अभी जाके महाराज को बोलते हैं। जाएंगे? हाँ महाराज जाएंगे, पूरा शक्ति लगा कर हम लोग मदद करेंगे। हाँ धन्यवाद धन्यवाद राजकुमार, अब जाओ जाओ। उसके बाद तीनों राजकुमारों चंद्रचूड़ पर्वत की तरफ रवाना हो गए, राजकुमारी को बचाने के लिए। प्रचुंडा के जंगल से राक्षस नगरी में। राजकन्या, तुम जितना भी स्वयंवर रचा लो, तुम्हारा विवाह तो मेरे पुत्र से ही होगा। हाँ। असंभव, ये असंभव है। नहीं नहीं, इस राक्षसी को मारना आसान नहीं है। चलो चलो हम लोग चलते हैं, चलो चलो भागो भागो चलो, भागो चलो, भागो भागो भागो। नहीं नहीं, मैं इतना आसानी से हार नहीं मानूंगा, कैसे भी करके मैं राजकुमारी को छुड़ाऊंगा। हाँ हाँ, राज्य वापिस जाके कुछ सोचना होगा मुझे। क्या जरूरत है राजकुमार, एक राजकुमारी की वजह से अपना जान जोखिम में डालोगे? सुनो, कोई विपत में है, उसकी मदद ना करके वापिस जाना क्या ठीक है, बताओ? लेकिन राजकुमार, जो इतना सेना नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे? राक्षस नगरी को खत्म करने के लिए हम लोग दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। आओ इधर आओ तुम लोग सब। राजकुमारी को बचाने के लिए सबने मिलकर एक उपाय निकाले है। उसके बाद महाराज, अरे कितना सुंदर हिरण, आज पेट भर के खाऊंगा। अरे ये तो सोने का हिरण है। ये तो सोने का है, राजकुमारी के पास ले जाता हूँ। ये लीजिए राजकुमारी, ये लीजिए आपके लिए सोने का। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं, मुझे मुझे अपने पिता श्री के पास जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। फिर से वही रोना धोना, रोज रोज ये रोना धोना मुझे पसंद नहीं है। मैं चलता हूँ। राजकुमारी, राजकुमारी। हाँ, कौन है आप यहाँ पे? हाँ? मैं आपको छुड़ाने आया हूँ, अब परेशान मत होइए राजकुमारी,
मैं कुछ करता हूँ। लेकिन उन लोगों को पता चलेगा तो? आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ मेरा मदद कीजिए राजकुमारी। कैसी मदद? सुनिए तो फिर, जब दानव आपके पास आएगा तो आप कैसे भी करके उस दानव से पूछिएगा कि उन दोनों का जीवन कहाँ छिपा हुआ है, तभी हम उसे मार सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मैं यही भी छिपा हुआ हूँ, लेकिन राजकुमारी ये काम ध्यान से करना। देखिए दानव आ रहा है, मैं जा रहा हूँ राजकुमारी। राजकुमारी, नाग पंचमी के दिन हम दोनों का विवाह होगा। हाँ सच में, और कितना दिन है नाग पंचमी में? ये क्या हो गया? क्या हुआ? जल्द आ जाएगा, कुछ दिन बाद है। तुम खुश हो ना राजकुमारी? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? लेकिन डर लगता है। डर किस बात किया? अगर दूसरे राक्षस तुम्हें मार के मुझे खा लिए तो? इसीलिए तुम रो रही हो है? हाँ, 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 हाँ। तुम मत रो, मुझे और मेरी मातासिरी को मारना इतना आसान नहीं है। क्यों, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम लोगों में? मेरा और मेरी मातासिरी का जीवन है संदूक में। सच में? क्या, कहाँ है वो दोनों संदूक? किसी को मत बताना राजकुमारी, महीपल नदी के नीचे पताल में एक सुंदर जलाशय है। तुम्हें मैं वहाँ ले जाऊंगा। हाँ ले जाऊंगा, उतने बड़े पाताल में दो संदूक कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं, जाओगे तो देखिएगा, सुंदर सोने के संदूक में है, ढूंढना नहीं होगा। अच्छा। मैं अब चलता हूँ राजकुमारी। इतना मैं जा रहा हूँ राजकुमारी। जल्दी वापिस आना, मुझे डर लगता है। मैं अभी वापिस आऊंगा, जल्दी बहुत जल्दी। राजकुमारी, मुझे अब सैवल नदी में जाना होगा, मैं जा रहा हूँ। सावधान से जाइएगा। चिंता मत कीजिएगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसके बाद दानव की बातें सुनकर राजकुमार सैबल नदी में संदूक के खोज में रवाना हो गए। उसके बाद राजकुमार मुझे जल्द वहां जाना होगा, उस संदूक में से अभी। लग रहा है कोई गला दबा रखा है। खत्म हो गया होगा, लेकिन राजकुमारी वही है।
मुझे जाना होगा उनको लाने। राजकुमारी, राजकुमारी आ जाइए जल्दी। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी को लेकर राजमहल वापिस चले गए। राक्षस नगरी से बचाकर राजमहल में वापिस जाकर राजकुमारी राजकुमार से विवाह कर ली। लेकिन महाराज दानव और उसकी मातश्री को मारकर राजकुमारी बहुत बड़ा अपराध किए थे, तो एक अपराधी से राजकुमारी क्यों विवाह कर ली और राजकुमारी दानव से सारी बातें पूछकर कि उन लोगों का जीवन कहाँ छुपा हुआ है, ये धोखे से राजकुमार को बताई। तो बोलिए महाराज, ये गलत है कि नहीं? बेताल राक्षसिनी पुचुंडा ने राजकुमारी को अगवा की थी अपने बेटे दानव से विवाह करने के लिए, और वो दोनों माया भी शक्तिशाली थे, इसीलिए उन दोनों को मारने के लिए राजकुमार राजकुमारी से कहे थे कि उनका जीवन शक्ति का पता लगाए। इसीलिए राजकुमारी छल से पूछी थी कि, और राजकुमार को बताई थी, राजकुमार राजकुमारी की जान बचाए थे, इसीलिए राजकुमारी राजकुमार से विवाह कर ली, इसीलिए राजकुमार सही है। महाराजा बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, इसीलिए मैं फिर से जा रहा हूँ।